खबर ये मिल रही है कि चुनाव के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचेगा गांधी परिवार। जी हां, राहुल गांधी भी जाएंगे, सोनिया गांधी भी जाएंगी, प्रियंका गांधी भी जाएंगी। जी हां, चुनाव के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचने वाला है गांधी परिवार। जिस तरीके से जो जीत दर्ज की है राहुल गांधी ने, वहां पर धन्यवाद दिया जाएगा, जाहिर सी बात है, रायबरेली की जनता का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 11 तारीख को नवनिर्वाचित अमेठी सांसद केएल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बेहद करीबी माने जाते हैं केएल शर्मा, जो कि अमेठी से जीते हैं। स्मृति ईरानी को उन्होंने हरा दिया, स्मृति ईरानी को हरा दिया और बड़ा कद हो गया उनका, बड़ा कद हो गया केएल शर्मा, जो कि गांधी परिवार के बेहद करीबी। नवनिर्वाचित अमेठी सांसद केएल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सोनिया, राहुल, प्रियंका का 11 जून को रायबरेली का दौरा है। चुनाव के बाद पहली बार गांधी परिवार रायबरेली जाएगा। रायबरेली में जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी दोनों का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। दोनों ही परंपरागत सीटें कांग्रेस पार्टी की, और रायबरेली से राहुल गांधी जीते हैं और केएल शर्मा जीते हैं अमेठी से। नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन्होंने स्मृति ईरानी को वहां पर हराया है। जाहिर सी बात है, रायबरेली और अमेठी दोनों की जनता का धन्यवाद यहां पर दिया जाएगा। और राहुल गांधी पहले ही इसको बोल चुके हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया रायबरेली और अमेठी की जनता का। रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटें मेरे लिए एक समान हैं। ऐसा नहीं है कि रायबरेली से जीतने के बाद मैं अमेठी को भूल जाऊंगा। केएल शर्मा को प्रत्याशी यहां पर बनाया गया अमेठी से कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने स्मृति ईरानी को करारी हार दी। ये तस्वीरें देखिए, केएल शर्मा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब केएल शर्मा के परिवार ने मुलाकात की। सोनिया गांधी को पुष्पगुच्छ देकर यहां पर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। केएल शर्मा जब गांधी परिवार से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे, इमोशनल भी काफी वो नजर आई। और ये तस्वीरें गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। केएल शर्मा भरोसा जताया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चार पूर्व मुख्यमंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चार पूर्व मुख्यमंत्री का मंत्री बनना तय है। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल, मनोहर लाल खट्टर, कुमार स्वामी के नाम शामिल हैं। जी हां, चार पूर्व सीएम का मंत्री बनना लगभग तय। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और कुमार स्वामी के नाम इसमें शामिल हैं। तो जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्रियों का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। चार पूर्व सीएम का मंत्री बनना तय है, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और कुमार स्वामी के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। चार पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी 3.0 टीम का हिस्सा होंगे शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और कुमार स्वामी। ये चार चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मनोहर लाल खट्टर, कुमार स्वामी, शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है यूपी में, बीजेपी कोटे से चार मंत्री पद, दिल्ली से मिलेगा एक मंत्री पद, बिहार से दो मंत्री पद मिलेंगे। यह बीजेपी कोटे की बात हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी से चार मंत्री पद, बिहार से दो मंत्री पद, बीजेपी कोटे की बात हो रही है। दिल्ली से एक मंत्री पद मिलेगा बीजेपी कोटे से। जी हां, तो बिहार के दो बीजेपी नेता मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, यूपी के चार बीजेपी नेता मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे और दिल्ली से एक बीजेपी नेता मोदी कैबिनेट का हिस्सा होगा। ये साफ हो गया है, ये फॉर्मूला है, ये कैबिनेट का फॉर्मूला है भाई साहब। चार यूपी से बीजेपी के मंत्री, दिल्ली से एक मंत्री और बिहार से बीजेपी के दो मंत्री, ये फॉर्मूला तय किया गया है। मंत्री कैबिनेट विस्तार को लेकर, कैबिनेट के गठन को लेकर ये
बीजेपी का, एनडीए का फॉर्मूला हम कह सकते हैं, बीजेपी का फॉर्मूला। यूपी में बीजेपी कोटे से 4 मंत्री होंगे, दिल्ली से 1, बिहार से 2 मंत्री होंगे। लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं, लगातार जो फॉर्मूले कैबिनेट गठन को लेकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे मोदी कैबिनेट में। अब एक नया जो फॉर्मूला है कि कोटे से बिहार में बीजेपी के कोटे से 2 मंत्री होंगे, दिल्ली से 1 होगा, और यूपी से बीजेपी कोटे से 4 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये बीजेपी कोटे की बात हो रही है। कोटे को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया गया, जनता ने इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया। जो घटक दल है एनडीए के, उनको भी संभालना है, उनको भी मंत्री पद देने हैं, इसलिए ये फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला तय किया गया है। यूपी से 4 मंत्री होंगे बीजेपी कोटे से, और बिहार से 2 मंत्री होंगे बीजेपी कोटे से, दिल्ली से 1 मंत्री होगा बीजेपी कोटे से। लगातार हम देख रहे हैं नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हाईटी पार्टी लगभग शुरू हो चुकी होगी कुछ देर बाद। ठीक है, आपको बता देते हैं उन मंत्रियों के नाम जिनको जगह क्यों मिली, उनका रीजन भी बता देते हैं कि आखिर इनको क्यों जगह दी जा रही है मोदी कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में जगह क्यों दी जा रही है इन नेताओं को, वो भी आपको हम दिखाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। अनुप्रिया पटेल की पहले बात कर ली जाए, अपना दल से आती हैं, मिर्जापुर से सांसद हैं, वाराणसी की रोहनिया से पहली बार विधायक रही हैं, तीसरी बार जीत लगाई है, जीत की हैट्रिक मतलब लगाई है उन्होंने, और 37,810 वोटों से जीत दर्ज की है। ये अनुप्रिया पटेल का पूरा प्रोफाइल आपके सामने रख दिया हमने। देखिए, मिर्जापुर से सांसद, वाराणसी की रोहनिया से पहली बार विधायक बनी, तीसरी बार जीत कर आई हैं, जीत की हैट्रिक लगाई है, 37,810 वोटों से जीती हैं, अपना दल से आती हैं, ये अपना दल से आती हैं अनुप्रिया पटेल। रीजन हमने आपको बता दिया कि क्यों हिस्सा बन सकती है। अब जयंत चौधरी, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जयंत चौधरी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं जयंत चौधरी, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, पहली बार मथुरा से सांसद चुने गए हैं, 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा था जयंत चौधरी ने। तो देखिए पूरी प्रोफाइल जयंत चौधरी की आपके सामने इस समय। आगे बढ़ते हैं, देखिए चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर सीट से सांसद, 2014-2019 में जमुई से चुनाव जीते, केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के बेटे, बॉलीवुड में बतौर एक्टर काम किया है। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पीएम आवास आपको लिए चलते हैं कि किस तरीके से वहां पर हलचल तेज है। पीएम आवास की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, हलचल तेज है, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जो नेता बाहर निकल रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और 43 सांसदों को फोन आया था, सभी वहां पर पहुंचे, अब बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका। अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे हुए थे, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, अब बाहर आ रहे हैं। जी किशन रेड्डी मंत्रिमंडल का भी हिस्से ये भी होंगे। तो लगातार ये अब पीएम आवास से नेताओं के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, पीएम आवास से, वो भी तस्वीरें सीधी विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं इस समय। जैसे ही मंत्री आएंगे हम उनकी बात आपको बिल्कुल जरूर बताएंगे कि क्या कुछ कहना है नेताओं का, क्या कुछ बात हुई। जो पीएम आवास पहुंचे हुए थे तमाम दिग्गज नेता, तमाम सांसद पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 4 बड़े मंत्रालय अपने पास रखेगी भारतीय जनता पार्टी। 4 बड़े मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, सीसीएस वाले मंत्रालय। जी हां, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति में आते हैं 4 मंत्रालय ये, गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय। सीसीएस वाले जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी अपने पास रखेगी, बीजेपी अपने पास रखने वाली है सीसीएस वाले मंत्रालय। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति में ये 4 मंत्रालय आते हैं, इनमें नाम है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का। सहयोगी दलों को नहीं दिए जाएंगे ये मंत्रालय, जैसे कि पहले से ही खबरें निकलकर सामने आए थी कि सीसीएस वाले मंत्रालय सहयोगी दल को नहीं दिए जाएंगे, बीजेपी के पास ही रहेंगे। गृह, रक्षा, वित्त और विदेश
गृह रक्षा वित्त और विदेश मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं, ये बात निकलकर सामने आ रही है। सीसीएस वाले जो मंत्रालय हैं सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति में ये आते हैं, गृह मंत्रालय है उसमें, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, ये चारों ही मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे, ये सहयोगी दलों के पास नहीं जाने वाले। जो भी कयास लगाए जा रहे थे कि इसको गृह मंत्री बना देंगे, उसको वित्त मंत्री बना दिया जाएगा, इसको विदेश मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन रक्षा मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी के पास ही ये चारों मंत्रालय रहने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। सीसीएस वाले मंत्रालय जो कि सुरक्षा संबंधी कमेटी समिति कमेटी कैबिनेट में आते हैं, ये गृह रक्षा वित्त और विदेश, गृह रक्षा वित्त और विदेश मंत्रालय बीजेपी के ही पास रहने वाले हैं, सहयोगी दल को ये मंत्रालय नहीं दिए जाएंगे। एक और बड़ी खबर यह है, पीएम आवास में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है, संभावित मंत्रियों से मिल लिए हैं पीएम मोदी। हाई टी मीटिंग चल रही थी ना, जब आपको बता रहे थे उसके लिए फोन आ रहे हैं नेताओं के पास, सांसदों के पास, वो मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। पीएम से मुलाकात सभी की हो चुकी है, संभावित मंत्रियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। 43 सांसद इस मीटिंग में शामिल थे, इनको फोन कर बुलाया गया प्रधानमंत्री मोदी में। पीएम आवास में चल रही है बैठक, जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। 43 सांसदों को बुलाया गया था, ये तो मतलब इसका साफ है कि 43 जो मंत्री हैं वो शपथ लेने वाले हैं, 43 मंत्री हैं जो शपथ लेने वाले हैं, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। पीएम आवास में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हुई है, 43 सांसदों को वहां पर बुलाया गया था, तस्वीर साफ है कि 43 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, और जो पहुंचे थे उनका तो पक्का है कि ये शपथ लेंगे। जो नाम हमने आपको बताया, 43 नाम हमने आपको बताए थे सभी दिग्गज नेताओं के जो पहुंचे पीएम आवास में, जिनको फोन आया प्रधानमंत्री मोदी के पास, जो हाई टी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, पीएम मोदी से बातचीत हुई होगी, जो जो कल्चर है बीजेपी पार्टी का है, प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका है, पहले वो बात करते हैं फिर उसके बाद मीडिया में खबरें जाती हैं कि ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन जो जो मंत्री पहुंचे हुए हैं पीएम आवास में, जो जो नेता पहुंचे हुए हैं पीएम आवास में, उनका मंत्री बनना लगभग तय है। 43 सांसदों को बुलाया गया था और अब मीटिंग खत्म हो चुकी है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं, सांसद बाहर आ रहे हैं कि हाई टी मीटिंग जो थी वो अब खत्म हो चुकी है और अब से कुछ देर का इंतज़ार होगा, या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो सकती है तस्वीर पीएम आवास के अंदर की, ग्रुप फोटो अगर हुआ होगा तो उसमें साफ नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से चेहरे थे जो पीएम आवास में मौजूद थे। लेकिन हमने आपको संभावित मंत्री बताए हैं, लगातार सिलसिलेवार तरीके से पुख्ता जानकारियां दी हैं कि कौन कौन मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। 43 सांसदों को बुलाया गया था फोन करके, तो इतना तो तय है कि 43 सांसद मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जो बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री मोदी के आवास में, हाई टी मीटिंग, अब वो खत्म हो चुकी है। पीएम आवास से संभावित मंत्री अब बाहर निकल भी रहे हैं, जो पहुंचे हुए थे इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए, मीटिंग में शामिल होने के लिए, अब वो बाहर भी निकलने लगे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम आवास की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कोई तस्वीर जारी होती है, क्या कोई तस्वीर आती है जो ग्रुप फोटो हुआ होगा पीएम आवास के अंदर पीएम के साथ, जो अभी सांसदों का, जो मोदी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो अब देखिए, जब मीटिंग खत्म हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है, तो ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से नेता, कौन कौन से सांसद वहां पर मौजूद थे, पीएम आवास में कौन कौन से सांसद मौजूद थे, देख लीजिए। अमित शाह पहुंचे हुए थे, राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे, नितिन गडकरी पहुंचे हुए थे, मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए थे, ये सभी नेता पहुंचे हुए थे पीएम आवास में। इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे 43 हमने बताया कि 43 सांसद पहुंचे हुए थे, 43 सांसदों को फोन आया था, और इतना तो कंफर्म है कि 43 जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। कौन कौन पहुंचा है पीएम आवास? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर,
ये चारों नेता गिरिराज सिंह हैं, पीयूष गोयल हैं, जेपी नड्डा हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी पीएम आवास पहुंचे हुए थे। और इसी के साथ ही और भी के नेता मध्य प्रदेश से भी तीन नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे। शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए, सिंधिया की बात कर ली जाए, सावित्री ठाकुर की बात कर ली जाए, चिराग पासवान भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, एस जयशंकर हैं, निर्मला सीतारमण पहुंची थी, राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे हुए थे, कमलजीत सहरावत भी पहुंचे हुए थे, ये भी नेता पहुंचे हुए थे। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल, एच डी कुमार स्वामी, ये भी पहुंचे हुए थे। चिराग पासवान की काफ़ी चर्चा चुनाव जीतने के बाद हुई। ललन सिंह, जयंत चौधरी, मनसुख मांडविया, पवन कल्याण, ये सभी दिग्गज नेता पीएम आवास में पहुंचे हुए थे। रणधीर सिंह बिट्टू, जी किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए, 43 सांसदों को फोन आया था। उसके बाद अब जो बैठक चल रही थी, वो अब बैठक खत्म हो चुकी है और सांसदों के, नेताओं के निकलने का सिलसिला, पीएम आवास से निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 43 सांसदों को फोन किया गया, 43 सांसद वहां पर पहुंचे थे। इतना कन्फर्म है कि जो 43 मंत्री हैं वो शपथ लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश से जो तीन मंत्रियों को फोन आए थे और जो बनने वाले हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, उनकी प्रोफाइल हम आपको दिखा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद, कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को करीब 8 लाख वोटों से हराया था शिवराज सिंह चौहान ने अभी के चुनाव में। पांच बार सांसद पांच बार विधायक रहे। 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से सांसद हैं, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज उन्होंने की है। 2020 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, सत्ता बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका सिंधिया जी ने निभाई थी। 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्री बने, एविएशन मिनिस्टर बने थे, मोदी सरकार में ही, मोदी गवर्नमेंट में ही 2021 में उनको एविएशन मिनिस्टर बनाया गया था। तो एमपी के धार से सांसद सावित्री ठाकुर की प्रोफाइल ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश के धार से सांसद हैं, 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। लगातार दूसरी बार सांसद चुनकर आई हैं, एसटी वर्ग से आती हैं, एसटी वर्ग की ये बड़ी चरम। सबसे चर्चित नाम है आज का सबसे चर्चित नाम है शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के नाम के कयास लगाए जा रहे थे, दिग्गजों के नाम लगाए रहे थे, वीडी शर्मा का भी नाम था, वीरेंद्र खटीक का, लेकिन सावित्री ठाकुर ये चौंकाता है, ये नाम कहीं ना कहीं चौंकाता है, निश्चित तौर पर ये नाम चौंकाता है। और एसटी वर्ग से ये आती हैं, एमपी के धार से सांसद, 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की, लगातार दूसरी बार सांसद रही हैं, तो एक महिला मंत्री के तौर पर मिलने वाली हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर करियर की शुरुआत इन्होंने की थी, अब केंद्रीय मंत्री बनने जा रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर करियर की शुरुआत और अब केंद्रीय मंत्री बनने जा रही हैं। तो इनका सफ़र काफ़ी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया सावित्री ठाकुर ने, और वो इनाम के तौर पर बीजेपी उन्हें दे भी रही है, मंत्री पद दे रही है। मोदी 3.0 की टीम में सावित्री ठाकुर आपको नजर आएंगी। ये चौंकाने वाला नाम है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि बीजेपी अपने फैसलों से, अपने निर्णय से चौंकाती है, सावित्री ठाकुर के नाम पर बीजेपी ने यकीनन चौंका दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कई दिग्गज नेताओं के नाम की चर्चा हुई, शिवराज सिंह चौहान की चर्चा, सिंधिया की चर्चा, वीडी शर्मा की चर्चा, वीरेंद्र खटीक की चर्चा यहाँ पर, फग्गन सिंह कुलस्ते की चर्चा यहाँ पर हुई थी, लेकिन सावित्री ठाकुर का नाम कहीं ना कहीं चौंकाता है। और इसी के साथ ही हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। 43 सांसद पहुंचे हुए थे और अब जो मीटिंग खत्म हुई है तो सांसदों के बाहर निकलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मोदी 3.0 की नई टीम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, अर्जुन राम मेघवाल, शिवराज सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अब जो मीटिंग खत्म हो चुकी है, नेता जो सांसद हैं जिनको फ़ोन करके बुलाया गया था, किरण रिजिजू होंगे मोदी कैबिनेट में शामिल, किरण रिजिजू मोदी कैबिनेट में भी शामिल होंगे। तो देखिए, मोदी 3.0 की नई टीम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाई, और देखिए यहाँ पर अब होगा शपथ ग्रहण समारोह, 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा।